नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 में जो कि जो अध्याय है अपना राजस्थान में औद्योगिक विकास है, औद्योगिक वित्त के अंतर्गत जो कि टॉपिक है राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगति और इसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास एक क्या अहम भूमिका का रोल किया, या राजस्थान में औद्योगिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन सी भूमिका रही, और राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो वही प्रगति है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास एक निरंतर बढ़ता जा रहा है, यही इसकी प्रगति के रूप में माना जाता है। तो एक तो प्रगति में बात करें कि वित्तीय साधनों का अभाव न रहे, वित्तीय साधनों में निरंतर वृद्धि रहे, एक परिवहन साधनों का विकास भी एक औद्योगिक विकास में एक अहम भूमिका रही होगी, एक रही है, एक विद्युत शक्ति में काफ़ी विस्तार रहे, विद्युत शक्ति सही तरीके से हो, एक पिछड़ा हुआ सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हो, खनन उद्योगों के विकास में अधिक व्यय हो और जन सहयोग अधिक से अधिक रहे और भौगोलिक स्थिति में सुधार हो, जनसंख्या वृद्धि में सुधार हो और राजनीतिक अस्थिरता और पेयजल की समस्या हमारे सामने उत्पन्न नहीं हो और ठीक विपरीत इनकी समस्याओं में शामिल हो जाती है। तो इसकी प्रगति में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक संस्थाएं, जिसमें मैंने आपको बात की रिको ने भी काफ़ी प्रगति की, तीसरा RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी एक अहम तरीके से राजस्थान की प्रगति के रूप में भूमिका का निर्वहन भी किया, एक राजस्थान में खनिज खनन और विभाग के द्वारा भी अनेक प्रकार की प्रगति की, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो इसी क्रम में हम राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगति निरंतर बढ़ रही है, जिसमें उद्योग और लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को निरंतर विकास उनका हो रही है और निरंतर अपनी देश या राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद में करबद्ध उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगति की बात करें तो विभिन्न वित्तीय वर्षों में हम चर्चा करें तो वो निरंतर अग्रसर हो रही है। तो इस प्रकार राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगतियां करबद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक अहम भूमिका का रोल निभा रही हैं। तो अब हम इसकी प्रमुख समस्याओं के बारे में जानें कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं के बारे में हम चर्चा करें तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास में अहम समस्या है वित्तीय साधनों की कमी। वित्तीय साधनों की कमी भी राजस्थान की एक औद्योगिक विकास में एक अहम समस्या बनी हुई है, जिसमें हम बात करें कि राजस्थान में आर्थिक पिछड़ापन और दरिद्रता के कारण लोगों की आय एवं उपयोग का स्तर बहुत ही नीचा है, लोगों की बचत क्षमता बहुत कम है, साथ ही सरकार के वित्तीय साधन भी क्या हैं, समान हैं, साधन कम हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय साधनों के अभाव में विभिन्न औद्योगिक विकास की योजनाओं को लागू करने में विलंब हो रहा है, एक परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव।
परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव, परिवहन एवं संचार के साधनों का अभाव रहा है। क्यों? राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए परिवहन एवं संचार की अहम भूमिका होती है। तो राजस्थान में परिवहन संचार साधनों की दृष्टि से हम बात करें तो अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है, जो कि जून 2015 तक यहाँ सड़कों की लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर ही थी, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 60.88 किलोमीटर सड़कों की लंबाई अब हो गई है। लेकिन भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 148 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है। तो राज्य में अभी भी 89.10% गाँवों में सड़कों से संबंध है। तो किंतु 250 से कम आबादी वाले आधे से अधिक गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इनसे उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में काफ़ी रुकावट आती है। विद्युत शक्ति का अभाव, उद्योगों में विद्युत शक्ति की अहम भूमिका होती है। विद्युत शक्ति का अभाव, विद्युत शक्ति की हम बात करें तो राजस्थान में विद्युत शक्ति का अभाव भी राज्य की औद्योगिक विकास की धीमी गति से एक कारण रहा है, जो कि 1951 में राज्य की विद्युत क्षमता का केवल 8 मेगावाट थी, जो कि 2014-15 में बढ़कर 15,907.81 मेगावाट हो गई है। फिर भी राज्य की मांग को देखते हुए ये क्या है, अपर्याप्त है, जो कि 2012-13 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग भी 981.9 किलोवाट रहा है, जो राष्ट्रीय औसत का 914.40 से कुछ अधिक नहीं है। तो राजस्थान में विद्युत शक्ति का अभाव उद्योगों में माना जा रहा है। एक पिछड़ा हुआ सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछड़ा हुआ सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछड़ा हुआ आर्थिक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, पिछड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो हम बात करें राजस्थान में राज्य की सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पिछड़ा हुआ है। क्यों? राज्य की साक्षरता दर 2014 में 66.1% रही, जो कि 17 राज्यों में उपलब्ध आंकड़ों में केवल बिहार की साक्षरता दर 61.8% से मामूली सी ऊंची थी, बाकी सभी 16 राज्यों में नीची थी। इसलिए राज्य की शैक्षणिक दृष्टि से हम बात करें तो पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो खनन एवं उद्योगों के विकास पर भी कम व्यय, खनन एवं उद्योगों के विकास पर कम व्यय, खनन एवं उद्योगों के विकास पर कम व्यय, खनन एवं उद्योगों के विकास पर भी बहुत ही कम व्यय किया जा रहा है। वो ये भी एक सही तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनन उद्योगों के विकास पर बहुत कम व्यय करने से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में खनन उद्योगों के विकास में कुल सार्वजनिक व्यय आवश्यकता से बहुत कम हुआ है। इससे औद्योगिक विकास में रुकावट आई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस मद पर वास्तविक व्यय 0.9% था, जो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से ये भी है एक जन सहयोग का अभाव, राजस्थान में औद्योगिक विकास की समस्याओं में जन सहयोग का
अभाव भी एक अहम तरीके से भूमिका का निर्वहन कर रहा है, क्योंकि पूंजी व ऊंचा कच्चा माल राजस्थान के आर्थिक विकास का एक बाधक है, जो कि साथ ही जन सहयोग के अभाव में पंचवर्षीय योजनाओं की धीमी गति का कारण रही है। जब तक जनता इन योजना के सक्रिय सहयोग नहीं देगी तो इनके विकास कल्पना निरर्थक मानी जाएगी। एक भौगोलिक स्थिति की एक बड़ी समस्या है। सातवीं समस्या की हम बात करें, भौगोलिक स्थिति की, तो राजस्थान में भौगोलिक स्थिति भी एक अहम समस्या बनी हुई है, जो कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विकास में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि यहाँ पर 60% से अधिक क्षेत्र रेगिस्तान है। जनसंख्या के दूर दराज तक फैले होने से बुनियादी सेवाएं जैसे विद्युत, सड़क, शिक्षा, संचार, चिकित्सा आदि को पहुंचाने के लिए प्रति व्यक्ति लागत ऊंची आती है। तो ये भी एक समस्या है भौगोलिक स्थिति की, जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि भी एक राजस्थान की औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं का रूप मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या की तीव्र गति में वृद्धि इसके विकास में साधक सिद्ध हुई, क्योंकि पिछले 2001 से 11 में राज्य की जनसंख्या 5.65 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है, जो कि इस प्रकार 2.3% वार्षिक वृद्धि राज्य के विकास में बाधा बनती जा रही है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी राजस्थान की औद्योगिक विकास की प्रगति की प्रमुख समस्याएं रही हैं, क्योंकि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता सभी योजनाओं की अवधि रही है। अस्थिरता के समय विकास कार्यों की राजनीतिक उद्देश्यों या स्वार्थों के लिए बलि दी जा रही है, तो कि एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता भी एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका है। एक पेयजल की समस्या अंतिम है, पेयजल की समस्या, क्योंकि उद्योगों के विकास के लिए हमें पेयजल बहुत आवश्यक है, तो पेयजल की समस्या भी राजस्थान सरकार के अत्यधिक साधन व शक्तियों की हम बात करें तो राजस्थान में सूखे व काल के कारण पेयजल की आपूर्ति में व्यय हो जाती है, फिर भी पेयजल की समस्याएं राजस्थान में बनी हुई हैं। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान के विकास में एक कौन कौन सी हमने प्रगति की प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में, अगले चैप्टर में हम राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 और राजस्थान की उद्योग संवर्धन 2010 और 2014 की औद्योगिक नीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम और लघु व कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको किस प्रकार से समाधान करें। फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान में ग्रामीण वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं, ग्रामीण वित्त के प्रकार कौन कौन से हैं, जो कि हमने राजस्थान में कृषि वित्त से संबंधित विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया था उन्हीं से संबंधित है। फिर हम विभिन्न योजनाओं में किसान साख पत्र योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में KCC क्या है और राजस्थान में ग्रामीण वित्त की कौन कौन सी कमियां रही हैं, उनको हम किस प्रकार से सुधारें, किसान साख पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अगले यूनिट में चर्चा करेंगे। तो हमने आज जैसा कि विस्तृत रूप से हम अध्ययन किया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास, औद्योगिक वित्त के बारे में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में औद्योगिक नीति के बारे में, फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में ग्रामीण वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम इस यूनिट कंप्लीट करने के बाद में हम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में 1 से 5 यूनिट होने के बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर EFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट
जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक नीतियों के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।